नमस्कार दोस्तों, आज पंचायत मामले पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय आया है, इसलिए आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। जो तकरीबन डेढ़ महीने से जो मामला चल रहा था, जो नाटक चल रहा था पूरे स्टेट में, उसका अब शायद पटाक्षेप हो गया है। कानूनी तौर पे तो हो ही गया है और वास्तविक तौर पे शायद अब ये प्रॉब्लम है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है इस चुनाव में, अगले चुनाव तक के लिए। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े इस पूरे डेढ़ महीने में। मैं कई बार आपके साथ लाइव आया, आप सबको मैंने जानकारी साझा की और बहुत ही मुश्किल भरे ये डेढ़ महीना सबके लिए रहा और मेरे लिए भी रहा। सैकड़ों लोगों ने मुझे प्रतिदिन फ़ोन किए, उन सब का जवाब देना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल रहा, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मैं एक एडवोकेट की भूमिका से ऊपर उठकर एक लीडर की भूमिका में मैं अपने आप को मैंने देखा। इसीलिए ये सारी प्रक्रिया मैंने पल पल की आपको जानकारी देने की कोशिश की कि मेरे जो गांव देहात में बैठे हुए भाई हैं वो सब इससे लाभान्वित हों, क्योंकि पूरा स्टेट इससे प्रभावित था। तो मेरी ये मॉरल ड्यूटी समझते हुए मैं आप सबके बीच सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़ा रहा कि आप सबको पल पल की जानकारी मिले, आप भ्रमित न हों, क्योंकि सरपंच का जो चुनाव है वो लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण है। सबसे ज़्यादा वोटिंग इसी चुनाव में होती है और जनता के सबसे नज़दीक जो प्रतिनिधि है वो अपने पंच सरपंच रहते हैं। इस महत्व को देखते हुए मैंने आप सबके बीच में इतना ज़रूरी समझा कि मैं हर पल आपको खबर दूं और लीगल स्थिति क्या है, प्रैक्टिकल स्थिति क्या है, उन सब से मैंने अवगत करवाने की आपको कोशिश की। तो इसकी शुरुआत सफ़र की हुई थी 13 दिसंबर को, जब हाईकोर्ट का निर्णय आया था नई पंचायतों के पुनर्गठन को रद्द करने का। उसके बाद से इस मैटर में मैं शामिल हुआ और पहला मेरा मत ये था कि नई पंचायतें बनेंगी और बननी चाहिए। उसकी हमने लड़ाई लड़ी और जिस लड़ाई में जिन्होंने सहयोग दिया उनका मैं विशेष रूप से धन्यवाद करना चाहूँगा कि पूरे लंबे चौड़े फैले हुए स्टेट में राजस्थान देश में एक नंबर पे है क्षेत्रफल की दृष्टि से, लेकिन उतनी संख्या में लोग सामने नहीं आए इस मैटर को लेकर के। हालांकि वो प्रभावित सबसे ज़्यादा रहे, गांव-गांव प्रभावित रहा, लेकिन पूरा सहयोग सबका नहीं मिल पाया। तो विशेष रूप से मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे ग्रंथी गांव के रामेश्वर जी सुथार, जिन्होंने सबसे पहले इस मुहिम में मेरा साथ दिया। बढ़ चढ़ के इसका जो रिट पटिशन था उसका कुछ खर्चा उन्होंने अपनी जेब से वहन किया, तो उनको मेरा साधुवाद है। उसके बाद हमारे सूरतगढ़ से सरदारपुरा लाडाणा के रामनाथ जी बिश्नोई, चौटन आगोर के जगदीश जी बिश्नोई और विश्वकर्मा नगर के बापिणी पंचायत समिति से मुखराज जी उत्तम, जिन्होंने नई पंचायतों को बनाने के लिए हमने जो SLPs लगाई थी उसमें उन सब ने बढ़ चढ़ कर सहयोग किया और आज इस मुकाम पे ये बात पहुंची है। उसके अलावा हमने जो प्रथम चरण के सिंबल प्राप्त सरपंच प्रतिनिधि हैं उनकी तरफ से भी इम्प्लीटमेंट एप्लीकेशन फाइल की थी, जिस पे सुनवाई पिछली 24 तारीख को हुई थी। उसके लिए भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे सोमा सर की बहन खुशबू, वाइफ ऑफ प्रदीप भांबू, जिन्होंने सबसे पहले इसके लिए सहयोग किया। और इटावा लाखा के, मैं बताता हूँ आपको नाम, इटावा लाखा के चैना राम जी, जिन्होंने इस मुहिम में सहयोग किया। और अडेल बाड़मेर के नगाराम जी, जो कि निर्विरोध निर्वाचित हो चुके थे, वो इस मुहिम से जुड़े। और नेड़ी नाड़ी धोरी मन्ना की रेखा, वाइफ ऑफ धोलाराम जी, जिन्होंने इस सब में सहयोग किया और पूरी आस्था व्यक्त की कि ये कानूनी लड़ाई लड़नी चाहिए। दोस्तों, मैंने आप सब लोग को आगाह किया था, ये एक एडवोकेट का काम नहीं है कि वो आपको ये कहे कि आप सब लोग संगठित हो और केस लगाओ। ये मैंने एक वकील की भूमिका से ऊपर उठकर एक लीडर की भूमिका में आकर आपको ये बात कही थी कि कोर्ट में क्या चल रहा है, आप सब लोग व्यथित लोग हैं, वो आएँ तो यहाँ पर नज़ारा दूसरा होगा।
आज वो मुझे इस बात का दुख है कि उस अपील का असर नहीं हुआ। सैकड़ों लोगों ने मुझसे पूछा, मैंने अपना समय दिया, लेकिन इन चार पांच लोगों के अलावा कोई आगे नहीं आ पाया सहयोग करने के लिए। तो हुई है, अब पीछे किसी ने एक इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन फाइल की थी प्रथम चरण के सिंबल प्राप्त प्रतिनिधियों की तरफ से, किसी एडवोकेट साहब ने, हमारे साथी ने यहाँ फाइल की थी, उसकी आज सुनवाई थी। तो सबसे पहली तो गड़बड़ ये हुई कि मेरी बार बार अपील करने के बावजूद आप लोग संकित न हो सके। आपने लाखों रुपए चुनाव में खर्च किए, लेकिन 10-20 हज़ार रुपये आप पंचायतवार संगठित होकर नहीं खर्च कर सके। तो मुट्ठी बंद मुट्ठी खुली, और जिसका ये परिणाम हुआ कि यहाँ पर प्रभावी रूप से कोर्ट के सामने पक्ष नहीं रखा जा सका, क्योंकि स्टेट और इलेक्शन कमीशन को कोर्ट ने इन मामलों में ज़्यादा वेटेज दी, और ज़्यादा वेटेज दिया भी जाना चाहिए। ऐसा संविधान में प्रावधान है कि कोर्ट के इंटरफेरेंस पे बार है कि इन मामलों में कोर्ट भी पंचायती नहीं करेगा, ऐसी संविधान में बार है। तो इस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और संगठित प्रयास करें, तो एक कोर्ट के सामने भी ये मैसेज आए कि वाकई में लोग बहुत बड़ी संख्या में इससे प्रभावित हैं। एक दो लोग आते हैं तो सामने तो पूरा स्टेट है, इलेक्शन कमीशन है, दोनों एक तो सरकार है, दूसरी संवैधानिक संस्था है, और उसके सामने एक दो लोग आकर के कहते हैं कि हम प्रभावित हैं, तो उनका पक्ष कमज़ोर माना जाता है। आज इस इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन पे सुनवाई हुई तो कोर्ट शुरुआत से इस चीज़ पे इरिटेट हुआ कि ये बार बार क्या एप्लीकेशन आ रही है। जब हमने 8 तारीख को भी ऑर्डर किया, वही ऑर्डर हमने 24 तारीख को भी किया, तो इसका तो कोई अंत ही नहीं है, ये तो बार बार आती रहेंगी, हमारा यही काम थोड़ी है। तो कोर्ट ने, सरकार ने कहा कि भाई आपके जो स्टे ऑर्डर था उसकी पालना में हमने नोटिस निकाली हैं, तो उसमें जो पहले जो हम लोग थे उनको कोर्ट ने सुना नहीं, आज नई एप्लीकेशन पर ही सुनवाई हुई। तो कोर्ट का ये मत था कि जब भाई हाई कोर्ट का ऑर्डर क्वाश किया जा चुका है, स्टे किया जा चुका है, तो अब तीनों नोटिफिकेशन प्रभाव में आ गए हैं, तो लॉटरी दोबारा निकालने में क्या दिक्कत है। लेकिन साथियों, मेरा अभी भी मत यही है कि इस चीज़ को कोर्ट के सामने प्रभावी तरीके से रखा ही नहीं जा सका कि दोबारा लॉटरी निकालना और जो जिनको सिंबल अलोकेट किए जा चुके हैं उनका बचाव करना, इनमें कोई मौलिक विरोध नहीं है। आप दोबारा लॉटरी निकालो तो जो प्रभावित ग्राम पंचायतें हैं जिनके आपने नॉमिनेशन नहीं फिल करवाए थे, वो पंचायत समितियों में तीन चार ग्राम पंचायतें, आप उनकी लॉटरी दोबारा निकालो। ये तो सरकार के स्तर का पूरी तरह से मामला था, लेकिन सरकार ने कहीं भी इसमें सीरियसनेस नहीं दिखाई है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये कोर्ट के सामने लाने की चीज़ें ही नहीं हैं। और जब हाई कोर्ट इस मामले में, क्योंकि हाई कोर्ट बेंच जोधपुर में, जयपुर में बैठती है, उनको स्टेट की रियलिटीज़ का सारा पता है, तो अरुण भंसाली जी जस्टिस की बेंच ने कल ही ये एक फैसला दिया है कि जो दोबारा री लॉटरी है वो आप नहीं कर सकते। उसकी 7 तारीख पे सुनवाई थी, फिर भी लोगों ने यहाँ पर फिर कोर्ट को इरिटेट करने के लिए एक इम्प्लीमेंट फाइल किया बिना संगठित हुए, जिसका ये परिणाम है। कोर्ट ने कह दिया है कि जो भी हमारा इंटरिम डायरेक्शन था वही फाइनल है, तो जो जितनी भी रिट पिटिशंस थी, SLPs लगी थी, वो सब फाइनली डिस्पोज हो गई हैं। उसका अर्थ ये है जो मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक तो नई ग्राम पंचायतें जो मुहिम हम लेकर के चले थे, वो पूरे स्टेट में सभी नोटिफिकेशंस को शामिल करते हुए नई ग्राम पंचायतें आज की डेट में बन गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतिम मोहर लगा दी है। रही बात लॉटरी प्रक्रिया की या सिंबल प्राप्त अभ्यर्थियों को क्या होगा, जो इंडिपेंडेंट बन गए हैं उनका क्या होगा, ये मामला सरकार और चुनाव आयोग के बीच में छोड़ा गया था, लेकिन कोर्ट में आज जो बहस हुई उसमें इस मामले पे भी नेगेटिव ऑर्डर कोर्ट का, शायद ये मेंशनिंग में आ जाएगा जब शाम तक विस्तृत ऑर्डर मिलेगा। अगर कोर्ट उस ऑर्डर में ये लिख देता है कि लॉटरी दोबारा कंडक्ट की जा सकती है और प्रथम चरण के सिंबल प्राप्त अभ्यर्थियों की लॉटरी भी दोबारा होगी, उसके बाद कोई रास्ता शेष नहीं है। अगर कोर्ट ये लिखता है कि हमारा इंटरिम ऑर्डर है, जैसा कि मैंने वहाँ सुना, तो कोर्ट का ऑर्डर शायद यही आए कि जो इंटरिम डायरेक्शन थे 24 तारीख के, 8 तारीख के, वो फाइनल है, तो उनमें दोस्तों लॉटरी का कहीं जिक्र नहीं है। ये तो एक सरकार का, चुनाव आयोग का आपस का मसला है कि वो प्रभावित किसको माने, अप्रभावित किसको माने। कानून की आड़ में अब वो चाहे, इलेक्शन का मैटर ऐसा होता है कि कोर्ट इंटरफेयर जल्दी से करता नहीं है, बिना प्रभावी तरीके से संगठित प्रयास के बिना, तो
ऐसा शायद हो सकता है कि उनकी लॉटरी दोबारा होकर के और चुनाव जल्दी होने जा रहे हैं। अब रही चुनाव की बात, चुनाव में कोर्ट ने इस बार फिर कहा है कि आप 30 अप्रैल तक कंप्लीट करवाओ। पिछले ऑर्डर में कोर्ट ने कहा था कि आप इलेक्शन अप्रैल के दूसरे भाग में यानी 16 से 30 के बीच में आप करवाओगे। इस बार फिर से कोर्ट ने कहा है कि 30 तक कंप्लीट करोगे आप, यानी अब ये संभावना भी नहीं है कि चुनाव 30 के पार जा सकते हैं मई में। अब स्ट्रिक्टली कोर्ट ने कह दिया है कि 30 तक आपको चुनाव पूरे करवाने हैं। और जैसा मानस चुनाव आयोग का और ऐसा लग रहा है कि ये लॉटरी प्रक्रिया सारी कंप्लीट करवा करके 5-6 तारीख तक, और मुझे ऐसा लगता है अभी भी कि ग्राम पंचायतों के जो सरपंचों के चुनाव हैं वो शायद ये फरवरी में कंप्लीट करवाएंगे, और जिला परिषद और पंचायत समिति के इलेक्शन के लिए ये अप्रैल के समय का उपयोग करेंगे। बाकी सरकार की और चुनाव आयोग की क्या मंशा है वो वही जाने। अननेसेसरली इस पूरे प्रोग्राम को इतना लंबा खींचा गया, इतना उलझाया गया। जब हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया था तो चुनाव आयोग को क्या जल्दी थी 26 तारीख को नोटिफिकेशन निकालने की, क्योंकि जब आप 19-20 तारीख को यहाँ SLP फाइल कर चुके थे, सरकार ने SLP फाइल की थी 19-20 तारीख को, हमने 17 तारीख को की थी, तो उस पर सुनवाई तो होनी थी 6 तारीख के बाद जब कोर्ट खुलता छुट्टियों में। तो चुनाव आयोग को क्या जल्दी थी 26 तारीख को नोटिफिकेशन इशू करने की। उसके बाद में उन्होंने 4 तारीख को फिर से नोटिफिकेशन इशू किया। उसके बाद में इन्होंने जब 8 को सुनवाई हुई, स्टे हो गया, तो या तो अब 8 को ही रोक देते, इन्होंने 9 तारीख को रोक दिया, जबकि कोर्ट का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं था। कोर्ट का तो ऑर्डर इलेक्शन करवाने का था। ये उन जो वंचित के इलेक्शन, जैसे कि चौथे फेज में करवा ही रहे थे डिस्प्यूटेड के इलेक्शन, तो उनके आगे चौथे फेज में करवा लेते, पांचवा फेज बना देते, लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन का बुरी तरह से अभाव रहा, और हम एक भाषा में कहते हैं कि रायता फैला दिया पूरी तरह से। इस पूरे मामले को इतना डिस्टर्ब किया, कोर्ट आज एनॉयड हुआ बार बार इम्प्लीमेंट आने से, और कोर्ट ने कहा कि अब हम इस मामले को ज़्यादा नहीं सुनेंगे और इसको फाइनली डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो साथियों, एक आपके लिए सोचने की बात है कि जिन सरपंच पंच प्रत्याशियों ने 2 महीने से जो प्रचार कर रहे हैं, 1 महीने से प्रचार कर रहे हैं, लाखों रुपए वो खर्च कर रहे हैं, लीगली भी 50,000 रुपये का खर्च चुनाव आयोग स्वीकृति देता है, लेकिन आपने लाखों रुपये खर्च किए, काश आप 10-20 हज़ार रुपये सुप्रीम कोर्ट में आप खर्च करते, आप संगठित होकर जो जनता को आप वादा करते हैं कि आप उनको विकास करेंगे, उनके हितों की रक्षा करेंगे, काश आप अपने हितों की रक्षा के लिए संगठित होकर खड़े हो जाते, तो मैं दावे से कहता हूं आज भी ये नज़ारा और होता। खैर, सुप्रीम कोर्ट का जो भी ऑर्डर है वो सुप्रीम है। राहत की बात यह है कि नई पंचायतें आज की डेट में बन चुकी हैं, और आरक्षण लॉटरी का मामला आप एक तरह से यूं कहें सरकार पर छोड़ दिया है। जैसा सरकार चाहेगी वैसा ही सरकार करेगी। अब इस मामले में कोई सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शेष नहीं है। हाई कोर्ट जो कि इन सिंबल प्राप्त सरपंचों के पक्ष में जा रहा था, उसको भी यहाँ पर इन्होंने बीच में सुप्रीम कोर्ट की शरण लेकर के और डिस्टर्ब किया है। ये एक सीख लेने की बात है कि जब लड़ाई ऐसी हो जो पूरा स्टेट जिसमें प्रभावित हो, तो एक संगठित होकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। आपको एक मैंने पहले भी कहा था, संघर्ष समिति बनाएं, सचिन पायलट साहब से मिले, कोर्ट में भी आए तो समिति के माध्यम से आए। आप पंचायत जो प्रभावित पंचायतें थी, 150 ग्राम पंचायतें प्रभावित, पंचायत समितियाँ प्रभावित थी, उनमें से एक एक दो दो लोगों को लेकर झट से पूरे स्टेट में कमेटी बन सकती थी, और जो भी प्रयास होता वो संगठित होता। लेकिन सब ने अपनी अपनी होशियारी लगाई और बार बार कोर्ट आए, कोई हाई कोर्ट गया, कोई सुप्रीम कोर्ट आया, और उसका ये परिणाम है कि आज उन अभ्यर्थियों को भी दोबारा लॉटरी का सामना करना पड़ेगा जिनके सिंबल मिल चुके थे। कुछ लोग उनमें भी इसलिए खुश हैं कि हमारे तो सामान्य थी, अब OBC आ गई हम तो लड़ लेंगे, हमारे तो पुरुष थी अब महिला आ गई तो वाइफ को लड़ा देंगे, महिला थी वाइफ लड़ रही थी और ये तो अच्छा हुआ कि अब हम खुद लड़ लेंगे। ऐसे करके सब ने अपने भी संतुष्टि की। वास्तव में जो प्रभावित लोग थे वो कम बचे, और वैसे भी लॉटरी प्रक्रिया से मेरा ऐसा मानना है कि सरपंच का चुनाव ऐसा है कि जितने भी सिंबल जिनके भरवाए जा चुके थे उनमें से 99% कैंडिडेट वही रहेंगे, क्योंकि सरपंच चुनने का जो गांव का सिस्टम होता है वो मिल बैठ करके होता है। ऐसे सरपंच का चुनाव ज़बरदस्ती बिरले ही लोग लड़ते हैं, तो सब वही धड़े हैं, वही परिवार हैं, तो उन सब को अब ध्यान रखेंगे तो उनका लीगली तो लॉस हुआ है, लेकिन वास्तविक रूप से कोई लॉस नहीं होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि इस पूरी मुहिम ने आप मेरे साथ पूरी मुहिम में जुड़े रहे, आपने मुझे इतना लाड़ प्यार दिया, इतना भरोसा दिया,
और उसी के बलबूते मैं पूरे स्टेट में जब कोई आगे नहीं आया तो मैंने वकालत के प्रोफेशन से ऊपर उठकर मैंने आप सबके साथ ये सारी जानकारियां साझा की। एक लीडर की भूमिका में मैं आया, एक साथी की भूमिका में मैं आया। इस तरह का जब भी कोई मुद्दा होगा तो मैं निश्चित रूप से फिर से इसी भूमिका में आऊँगा। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, और विशेष रूप से उन 8-10 लोगों का जो मेरी अपील पे 1.5 महीने तक मेरे साथ रहे, मुझ पर भरोसा कायम किया, और जो भी लिटिगेशन है उनका खर्चा कुछ हद तक उन्होंने वहन किया। उन सब का मेरा साधुवाद है कि सैकड़ों लोगों की भीड़ में से वो 8-10 नाम आगे आ पाए जो वास्तव में अपने हकों के लिए लड़े। अगर सब लड़ते तो नज़ारा दूसरा होता। तो साथियों, अब इस जो पंचायतनामा अपन कहें 1.5 महीने से चल रहा था, उसका फाइनली पटाक्षेप हो गया है। अलविदा, बहुत बहुत आपका आभार जुड़े रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।